नमस्कार, खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। इस हफ्ते की खबर में जानिए, जर्मन कंपनी हेला और इंडियन हेलमेट कंपनी स्टीलबर्ड ने टू व्हीलर इंडस्ट्री में कौन से ऑटोमोबाइल पार्ट्स निकालने के लिए मिलाया हाथ, बजाज ने कौन सी पल्सर बाइक का प्रोडक्शन बंद किया, होंडा का कौन सा नया स्कूटर हो गया है मार्केट में लॉन्च जिसका लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, मारुति सुजुकी ने निकाला कौन से कार का सीएनजी वेरिएंट, और जरा हटके में जानिए भारत में आई हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कौन सी गाड़ी। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को तीन जरूरी सूचनाएं देनी है। पहली सूचना यह है कि अगले हफ्ते से कार मैकेनिक दोस्तों के लिए एक नया चैनल कार्यशाला शुरू होने वाला है जिसमें कार रिपेयरिंग और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। दूसरी सूचना यह है कि आप सभी मैकेनिक भाइयों के लिए मैकेनिक टीवी ने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स निकाला है। इसमें अभी तक 100 से अधिक मैकेनिक ने रजिस्टर किया है और 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग देकर अपना फीडबैक भी दिया है। ये कोर्स उन सभी मैकेनिक भाइयों के लिए है जो नया गैरेज खोलने की सोच रहे हैं या जिनका पहले से ही खुद का गैराज है। इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने वर्कशॉप बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तीसरी सूचना यह है, हर हफ्ते अब आप एक नहीं बल्कि दो दो कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं और दोनों कॉन्टेस्ट में आपको दो अलग अलग शानदार टी शर्ट्स जीतने का मौका मिलेगा। पहला कॉन्टेस्ट आएगा बुधवार सुबह 8 बजे HP लुब्रिकेंट के लूप फ्यूल अकेडमी चैनल के एपिसोड में, और दूसरा कॉन्टेस्ट यानी लॉकटाइट वीकली कॉन्टेस्ट वीडियो आएगा दोपहर 2 बजे से पहले। तो कर लीजिए इनके टाइम नोट और हो जाएं तैयार इनाम जीतने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जर्मन ब्रांड हेला और फेमस हेलमेट कंपनी स्टीलबर्ड ने टू व्हीलर मार्केट में ऑटोमोटिव हॉर्न और स्पार्क प्लग की एक नई रेंज पेश करने के लिए हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों का लक्ष्य प्रोडक्ट ऑफरिंग और मार्केट डिलीवरी में एक दूसरे की ग्रोथ को बढ़ाना है। पिछले हफ्ते दुबई में हुई डीलर मीटिंग में हेला और स्टीलबर्ड की साझेदारी की घोषणा की गई थी। हेला इंडिया लाइटिंग के MD रमाशंकर पांडे, स्टीलबर्ड के MD पंकज कपूर जी और स्टीलबर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानव कपूर जी की मौजूदगी में प्रमुख चैनल पार्टनर्स के लिए स्टीलबर्ग हॉर्न्स और स्पार्क प्लग्स के लॉन्च के बारे में घोषणा की गई है। दोस्तों, स्टीलबर्ड ने न केवल हेलमेट बल्कि टू व्हीलर के लिए फिल्टर, रबर के पार्ट्स और एक्सेसरीज भी बनाती है। कंपनी ने टायर, लुब्रिकेंट और बैरिंग में भी कदम रखा है। बढ़ते हैं अब दूसरी खबरों की तरफ। बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में कुछ महीने पहले ही पल्सर 180 का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और शोरूम डीलर्स ने इसे कंफर्म किया कि नई बाइक का स्टॉक मिलना बंद हो गया है। बंद होने के कारण मांग की कमी और नई जनरेशन की पल्सर मॉडल निकालना हो सकता है। लुक में पल्सर 180 पल्सर 150 के तरह दिखती है, लेकिन ये एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट 178.6 cc एयर कूल्ड DTSI इंजन के साथ आती थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पल्सर 180 को हटाया गया है। इसे कुछ साल पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन फरवरी 2021 में फिर से पेश किया गया। इसकी आखिरी कीमत 1,17,000 रुपए है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होंडा टू व्हीलर्स इंडिया ने देश में 75,000 रुपए की कीमत पर एक्टिवा 6G का प्रीमियम एडिशन लॉन्च कर दिया है। ये केवल डीलक्स एडिशन में उपलब्ध होने के कारण इसमें 3 रंग के ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हैं मैट रेड, मैट ग्रीन और पर्ल ब्लू। एक्टिवा 6G के मुकाबले 2022 प्रीमियम एडिशन में परफॉर्मेंस के रूप में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और स्कूटर में रेगुलर मॉडल वाला इंजन रखा गया है। केवल लुक में होंडा की गोल्ड बैजिंग, गोल्डन कलर का व्हील रिम और सीट और इंटीरियर कवर ब्राउन कलर में दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मारुति सुजुकी ने इस महीने की शुरुआत में स्विफ्ट हैचबैक का CNG पावर्ड वर्जन लॉन्च किया है जिसकी कीमत 7,77,000 रुपए से शुरू होता है। मॉडल अब डिलीवरी डेट से पहले ही स्थानीय डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है। पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG वेरिएंट के बाहरी डिजाइन में कोई बदलाव नहीं है।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट एस सीएनजी में 1.2 लीटर के सीरीज ड्यूअल जेट ड्यूअल वीवीटी इंजन है। ये इंजन विशेष रूप से 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जुड़ा है और 30.90 किलोग्राम माफ कीजिए 30.9 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की फ्यूल इकोनॉमी देने का दावा भी करती है। अब आते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। भारत में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस को लॉन्च किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और पुणे की केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा बनाई गई देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। मंत्री ने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाइड्रोजन विजन से जुड़ी है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बस को पावर देती है जो कि बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करती है और इससे निकलने वाला एकमात्र एग्जॉस्ट पानी है। इसलिए ये बस बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसकी तुलना में लंबी दूरी पर चलने वाली एक डीजल बस आमतौर पर सालाना 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और देश में ऐसी 10 लाख से ज्यादा बसें हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़ी और भी बातें हमने लू फ्यूल एकेडमी चैनल के एपिसोड 4 में करी है, जिसमें उनके वर्किंग और फायदे को बताया गया है। ऐसे और भी लुब्रिकेंट और फ्यूल से जुड़ी जानकारी पाने के लिए लूप फ्यूल एकेडमी चैनल के एपिसोड देखना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें, सिर्फ मैकेनिक टीवी पर।